हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अक्सर हमें स्कूल कॉलेजेस में असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स हमें मिला करते थे, तो वहाँ पर हमारे कुछ ऐसी चीजें होती थी जो कि हमें ग्रुप में करनी परफॉर्म करनी पड़ती थी, एंड कुछ चीजें ऐसी होती थी जो कि हमें इंडिविजुअली परफॉर्म करनी पड़ती थी। आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आता था, किसकी आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहती थी? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि ग्रुप में। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें काम कम करना पड़ता है। दोस्तों आज हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले, टीम वर्क। टीम वर्क की फुल फॉर्म पे पहले देख लेते हैं, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। दोस्तों टीम की फुल फॉर्म में ये है, जब हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो जो हमारा टारगेट है हम उसको अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे। दोस्तों इसी से रिलेटेड आज मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करे हैं, जिससे आपको पता लगे कि भी टीम की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप टीम में मिलकर काम करोगे, अगर आप टीम के साथ काम करोगे, आप अपना करियर बनाना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हो, आपको टीम में रह करके कैसे सक्सेस मिल सकती है। आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट है, टीम वर्क मोटिवेट्स यूनिटी इन दी वर्क प्लेस। दोस्तों टीम वर्क हमारी यूनिटी को एक अच्छी खासी बढ़ाती है, जब हम अपने काम को हम अच्छे तरह से करते हैं। क्योंकि जब हम मिलकर, अगर हम एक प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, एंड हम टीम में उस चीज को कर रहे हैं, तो होगा क्या, वो प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ पार्ट्स में, एंड हमारे अलग अलग टास्क हो जाएंगे उसके। जब हम एक अच्छे तरह से मिलकर काम करेंगे तो हमारी यूनिटी बनती चली जाएगी, हमारी टीम स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, एंड हमारा जो टारगेट होगा हम उसको अच्छे तरह से अचीव कर पाएंगे। एंड ग्रोथ इसमें सिर्फ हमारी एक एक इंसान की नहीं होगी, इसमें सभी की होगी, जितने भी आपके ग्रुप आपकी टीम में मेंबर्स हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है, टीम वर्क प्रोवाइड्स इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। टीम वर्क हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। जो हम फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान के पास 10 टास्क है तो उसको करने में उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, एंड उसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। जिस वजह से वो डिमोटिवेट भी हो सकता है, एंड वो अपने टास्क को, हो सकता है मे बी स्टार्टिंग के टास्क को बहुत ही अच्छे से करे, पर लेकिन जब एंड तक आएगा वो, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रह जाएगी, एंड वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एंड टीम वर्क में क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एंड हम मिलकर काम करते हैं तो हमें लगता है कि भी हमें कुछ अलग कर, कुछ एक्स्ट्रा हमें अच्छा करना होगा, जिससे कि हमारी सबकी ग्रोथ हो सके। हमारा थर्ड पॉइंट है, टीम वर्क प्रोवाइड ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ये होता है कि भी हम लोगों को जज करने लगते हैं कि भी इसको क्या पता होगा, ये नया आया है या ये छोटा है या फिर ये ज्यादा बड़ा है, तो फिर मतलब इसको बहुत ज्यादा पता होगा। दोस्तों आपको कुछ चीज पे बताना चाहूंगा, अक्सर आपने देखा होगा कि भी कुछ, अभी लास्ट टाइम की ही बात है, कुछ ऐसे हैं छोटे लोगों ने ही मिलियनर बने हैं, कुछ 12 साल के बच्चे हैं, कोई 16 साल का एक लड़का है। उन्होंने अपनी इस एज में, 16 साल की एज में, 12 साल की एज में, जब वो एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा माइंड से बहुत कुछ कर सकते हैं, वो क्यों नहीं? क्योंकि कहते हैं ना कि भी एक छोटा सा बच्चा भी हमें वो चीज सिखा सकता है जो पढ़ा नहीं सीखा। दोस्तों कभी भी किसी को जज मत करो कि भी इसको क्या पता होगा। एंड लर्निंग से मतलब है कि भी यहाँ पर जब हम टीम के साथ काम करेंगे तो हमारे पास न्यू आइडियाज आएंगे, जिस वजह से हम मिलकर अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं। एंड जब हम डिस्कस कर सकते हैं, जब हम चीजें को हम एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, एंड हमारी वहां से ग्रोथ भी होगी, एंड हमारी न्यू लर्निंग्स भी होंगी। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बेटर क्वालिटी। दोस्तों जब हम चीजों को हम टास्क में डिवाइड कर करके हमारा एक टास्क हमारा असाइंड हो जाता है, एंड जब हम एक अपने पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हैं, हम लोगों के साथ डिस्कस करके हम अपने काम को कर रहे होते हैं, हमारी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हमें ज्यादा चीजों पर फोकस नहीं करना, क्योंकि हमारा गोल, हमारा टास्क सिर्फ एक ही होता है, वो है सक्सेस। जब हमारा टारगेट सक्सेस होता है, हमारा प्रोजेक्ट में भी एक ही मोटिव होता है, तो हम मिलकर काम करते हैं, तो जिस वजह से हमारा जो हमारा गोल है वो हमारा अचीव हो जाता है। आइए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट था, टीम वर्क मोटिवेट्स यूनिटी इन द वर्क प्लेस। ये हमारी टीम वर्क हमारी यूनिटी को इंक्रीज कर देते हैं हमारे वर्क प्लेस में। हमारा सेकंड पॉइंट है, टीम वर्क इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी।
ये हमारी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। एंड हमारा अब हमारा थर्ड पॉइंट है, टीम वर्क प्रोवाइड ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। टीम वर्क हमें न्यू चीज़ें सीखने के लिए हमारे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है, जिससे हम ज़्यादा अच्छे से हम ग्रोथ कर सकते हैं लाइफ में। एंड हमें इस चीज़ से हमारे पास न्यू आइडियाज भी आ जाते हैं। सो हमारा लास्ट पॉइंट है बेटर क्वालिटी। सो अब जब हम टीम में वर्क करते हैं तो हमारी क्वालिटी अपने आप इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से जो हम चीज़ करना चाहते हैं वो हम उसके ऊपर 100% to 200% अच्छे से दे पाते हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, आंखों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या गम था चिराग हवाओं में भी चलते रहे। सो दोस्तों स्टे इंस्पायर्ड स्टे मोटिवेटेड। इसी के साथ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे ऊपर चाहिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एंड लव यू ऑल।